तो ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है आइसक्रीम से। बहुत गर्मी है इस वक्त, देखो आइसक्रीम भी पिघलने लगी है। अभी तो लिए खरीदी, आइसक्रीम पिघलने लगी है। तो आज हम आए उदयपुर। यहाँ पे ना एक लालटेन फेस्टिवल है। मुझे पहले लग रहा था कि लालटेन ये जलाएंगे उड़ाएंगे, लेकिन ये उड़ाएंगे नहीं, बस ज़मीन पे रखेंगे कलरफुल लालटेन। तो वीकेंड है तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खींचेंगे और दिखाता हूँ नियर बाई क्या क्या है यहाँ पे। अभी ना आपको आवाज़ आ रही होगी कीड़ों की, तो मैंने इस कीड़े की फ़ोटो खींच ली। देखो ये ऐसे दिखता है, इतना शोर मचाता है कुछ कहने को नहीं। और इनके थोड़े से पास चले जाओ ना तो चुप हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास बड़ा वाला लेंस है, तो ज़रा मैं इनका देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं, छुप छुप के इनकी रिकॉर्डिंग करूँगा। ये देखो ये है, ये चिल्ला रहा है। तो अभी हम लोकेशन पे आ गए और ये जो आप सामने पन्नियाँ देख रहे हैं कलरफुल ऑरेंज वाइट रेड, तो ये है मेन। इसके अंदर लाइट्स लगेंगी या लगी हुई हैं पता नहीं, अभी तो धूप है तो अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा। और ये बहुत दूर तक है, मतलब बहुत सारी इन्होंने लगाई हुई हैं। तो ये एक इनका फेस्टिवल है। तो 1:30 बजे से तैयारी करनी थी इन्होंने, 6:30 बजे ये लोग ऑन करेंगे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो इसमें वो रेत भरी हुई है, लाइट कब लगाएंगे? मुझे लग रहा है ये लाइट बाद में लगाएंगे, फ़िलहाल तो अभी रेत लगी हुई है सारी पन्नियों में। और ये ना कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है जैसे मैं देख सकता हूँ, मुझे तो यही लग रहा है। जैसे ये अगर सामने देखा जाए तो पता नहीं ट्री डिज़ाइन है कैसा डिज़ाइन है, थोड़ा सा तो है डिज़ाइन वगैरह। अभी मैंने ये लिए कोल्ड कॉफ़ी, टेस्ट तो बहुत अच्छा है और 480 yen की है। अभी एकदम मार्केट टाइप की है, अंदर की तरफ है, मॉल के अंदर ही। अभी ये दुकान में आए, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं बहुत नए नए तरीके की। पहली बार मैंने कुछ देखा है 15 yen का, आज तक मैंने जापान में 100 yen के नीचे कुछ देखा नहीं। हमने टिकट ले ली है ट्रिक आई म्यूजियम की, 2 टिकट ली है। टोक्यो ट्रिक आई म्यूजियम सही है। ओके पूरा ट्रेडिशनल बनाया हुआ है, ऊपर छतरी वतरी सब लगाई हुई है, एसी वेसी चालू है, तारे गई हुई है, सब ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। ऊपर तो एकदम अंधेरा करके रखा है। ये स्पॉटलाइट लगाते हैं ना, इसको देख के बड़ा मज़ा आता है। मैं सोच रहा हूँ अपने घर में ना ऐसी स्पॉटलाइट लगाऊंगा, मेरा प्लान है स्पॉटलाइट वगैरह लगाने का। तो अभी ये पता नहीं इंग्लिश में सिखाएगी कि बताएगी कि नहीं, जापानीज में बता रही है। अच्छा कुछ तो तरीका बता रही है, फिलहाल तो अभी तक किसी ने बोला नहीं है। ये है कि रिकॉर्डिंग अलाउड है, पर अब करके देखते हैं। Welcome to Tokyo Trip Club Museum. Yeah. How to take photo? Yes. Do you have a mobile phone or a camera? Yes. You can take it on this. Camera. Okay. Yes. Look at this painting. Thank you. नहीं मोबाइल फोन से करेंगे ना, ये तो Yes, yes, yes. Step 1, keep your distance from the painting. Distance, thank you. Okay. Step 2, look through your camera lens. Much more 3D, let's try. Make a chair, much more 3D. Much more okay. Make a hole, light 3D. Okay, thank you. No flash, yes. Thank you. The passage will suddenly end this museum.
open, you can find two hidden doors. This area, two hidden doors. Two hidden doors. Okay. Find two next to area. Okay. Okay. If we don't find, we come here back. Okay. Okay. Sorry. Last. Last. Come here. Okay. Oh, this one 3D. Yeah. Please, up and down, up and down. Oh, okay. Nice, 3D, yeah. Come closer, please. Touch. Oh, yeah. That's trick. Yes. This museum, all touch, okay. Okay. Hi. That's all. Thank you very much. Okay, arigatou gozaimasu, yes. ये तो मैंने देखा है यार वहाँ पे आपने फोटो का देखो लंका भी में हाँ फोटो का देखते हैं ना फोटो यही पहले यार यही पे खींच लीजिए फोटो ऐसे बैठ के हाँ वो मोबाइल आप मुझे अपना दीजिए मैं खींचता हूँ फोटो जल्दी दे यार ये बैग में रख लो ये टिकट शिकट में अच्छा ये वो उधर वो बने हुए हैं कैसे फोटो खिंचानी है हाँ देखा ना अरे मैं आएंगे ही नहीं 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 ये है ना ये नीचे हाँ आपके एंगल में आएगा आएगा अभी तक हमने काफ़ी ये वाले ट्राई कर लिए हैं ये वाला भी अच्छा लग रहा है ये इसका मुंह पकड़ने का है ना इसका मुंह अब वो कह रहे हैं यहाँ से सीक्रेट दरवाज़ा ढूंढना है ये देखो इतना क्लियर झिरी बनी हुई है दबाओ लोग खुल गया दरवाज़ा सीक्रेट इसमें क्या है सीक्रेट कुछ भी नहीं है चलो एक तो मिल गया एक अंदर जाके मिल जाएगा मुझे लग रहा है ऐसे लेट के कर रहे हाँ लेट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये किधर है अच्छा ये इस तरफ का इसका मुंह है ना हाँ ये देखो यार यहाँ पे ना ऐसी एक इमेज बनी हुई है कैंडल की और यहाँ पे एक होल दिया हुआ ये छोटा सा होल है इस होल के अंदर अगर देखें तो ये देखो सामने ऐसा लग रहा है कैंडल है जल रही है और हमेशा की तरह हर बार कोई ना कोई थीम होती है एग्जिट करते ये एग्जिट है ना चलो हम बाहर आ गए ट्रिका म्यूजियम के 1200 खत्म हो गए अच्छा अब यहाँ से अंदर गए थे वहाँ जो वो लेडी खड़ी है तो ठीक था मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है बस यहाँ से ज़बरदस्त नज़ारा है सनसेट हो ही गया लगभग यार मिर्चा लगने लगी थोड़ी सी मिर्चा उसमें डलवा ली थी तो ये है नीचे देखो ये ना ये ताकोयाकी है इसके अंदर ऑक्टोपस का मेरे ख्याल से छोटे वाले ऑक्टोपस का वो फिन वगैरह होगा तो बस ऐसे पकड़ा और खा लिया इस वक्त 7 बज रहा है और अब थोड़ी सी लाइट अच्छी दिखने लगी है यहाँ से लोगों ने लालटेन अपनी लगाई हुई है अपने स्टाइल से कलरफुल है उसमें से मुझे ज़्यादातर तो ऑरेंज दिख रही है और ये लोकेशन है सनसेट हो चुका है लालटेन वाला तो बस उतना ही था बस लोगों ने लालटेन लगाई हुई थी और उसमें मिट्टी डाली हुई थी एक्चुअली वो कागज़ की बनी हुई थी कागज़ समझ लो कागज़ की बड़े बड़े जग बने हुए थे जिसमें उन्होंने मिट्टी डाली कि वो उड़े ना और उसके ऊपर उन्होंने मोमबत्तियाँ लगा दी तो बस वही था ऊपर से देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा था लेकिन हम अभी क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बस अब तो खैर इतना ज़्यादा थक गए कुछ कहने को नहीं और अब घर जाने का टाइम हो गया है तो मिलेंगे एक नई वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग